नमस्कार, मेरा नाम चेतन कुमार अम्बस्ट है। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में एमए किया है और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम के इंटरव्यू में मैंने 2 बार इंटरव्यू का सामना किया है। मेरे सर, इनका नाम कुंदन सर है, इन्होंने एसएससी क्वालिफाई किया है और इनका स्पेशलाइजेशन मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स है। अब मैं बात करूँ बीपीएससी, सीडीपीओ और अदर स्टेट पीसीएस का, तो हमारे संस्थान में जनरल कंपटीशन और साथ ही साथ बीपीएससी का जो जीएस का पेपर होता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। ऑप्शनल पेपर जो हिस्ट्री है, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री में एमए हूँ, तो हिस्ट्री ऑप्शनल की संपूर्ण तैयारी मेरे मार्गदर्शन में होगी। जनरल स्टडीज़ में मेरे साथ साथ कुछ फैकल्टीज रहेंगे और साथ में जो जनरल कंपटीशन है उसमें जो मैथ होगा, रीजनिंग होगा और स्टैटिक्स होगा वो कुंदन सर लेंगे। अब जहाँ तक बात किया जाए स्टैटिक्स का, तो बीपीएससी के मेंस में जहाँ तक मैंने देखा है कि स्टैटिक्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। उसमें 72 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक अलग सेगमेंट के रूप में स्टैटिक्स को लिया है ताकि बच्चे 72 में 72 मार्क्स को सिक्योर करें। अगर आप पिछले कुछ टॉपर्स को देखिएगा तो उन्होंने 72 में 72 मार्क्स स्टैटिक्स में लाया है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टैटिक्स का एक अलग सेगमेंट, एक अलग टीचर रखा है जो स्टैटिक्स की संपूर्ण तैयारी करेंगे। अब जहाँ तक बात की जाए मैथ की, तो मैथ का जहाँ तक देखिए 2 पार्ट होता है। एक जनरल मैथ होता है जिसमें हम लोग को 14 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और एक एडवांस मैथ होता है जिसमें 7 से 9 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसके विषय में आगे कुंदन सर विशेष रूप से बताएंगे। मैं सिर्फ ये बता दूँ जो मैथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसमें एसएससी, बैंकिंग, एमबीए और वन डे एग्ज़ाम की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए मैथ को पढ़ाया जाएगा। यही काम हम लोग रीजनिंग में करेंगे और स्टैटिक्स का तो हम आपको बता ही दिए हैं। तो मेरे जो मित्र हैं कुंदन आनंद सर, ये आपको जनरल कंपटीशन के विषय में कुछ विशेष रूप से बताएंगे। आप लोग को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने आपको बताया कि मैं वन डे एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तैयारी आप लोग को करवाऊंगा। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स और एडवांस मैथ्स को पूरा हम आपको कवर करवाएंगे सीडीएस लेवल से लेकर के ग्रुप डी लेवल तक की संपूर्ण तैयारी जो मैथ्स में पूछे जाते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बीपीएससी में जो 72 मार्क्स के स्टैटिक्स होते हैं जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो आर्ट्स बैकग्राउंड से रहते हैं उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, जबकि स्टैटिक्स कुछ ऐसा है नहीं, बस एक मन में डर बना हुआ रहता है कि स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, बहुत ही भारी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो स्टैटिक्स के कारण जो लोग पिछड़ते होंगे उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। वैसे तो स्टैटिक्स पटना में जनरली उतनी पढ़ाई होती नहीं है, शायद जहाँ तक मैं जब से मैं पटना में रह रहा हूँ तब से नहीं देखा हूँ कहीं स्टैटिक्स की पढ़ाई पटना में होती है। एक दो जगह होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की होती है वैसी तैयारी स्टैटिक्स की नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये बोल चुके हैं कि मेरा स्टैटिक्स में नंबर ही नहीं आता है। तो सर ने हमको बोला कि आप स्टैटिक्स जो आप घर पे बच्चों को बुला करके पढ़ाते हैं आप ऐसे हमारे क्लास में आकर के पढ़ाइए, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे उससे। तो मैंने सर को हाँ बोला, स्टैटिक्स का मेरा भी नहीं हुआ था। तो स्टैटिक्स के कारण ही जो लोग फिसलते हैं तो उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा अपकमिंग एग्जाम में जो मेंस आने वाले हैं। और जो पीटी में भी 10 मार्क्स रहते हैं उस मार्क्स को भी अगर जैसे कि आप पिछला बार देखे होंगे जो बीपीएससी कट ऑफ गया था शायद 150 में 108 मार्क्स लाना, ये तभी भी हो सकता है जब वो मैथ्स के 10 नंबर क्वेश्चन को भी किया जाए। यहाँ पे वो 10 नंबर में यहाँ पे सर को थोड़ा इंटरप्ट करना चाहेंगे। ये मैथ के विषय में हम लोग इसलिए फोकस कर रहे हैं, यदि आप बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा तो पिछले बार जनरल का 108 कट ऑफ था,
पहले हम लोग का स्ट्रैटेजी ये होता था कि मैथ का जो 10 क्वेश्चन है जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उसको हम लोग मैथ को छोड़ देते थे, लेकिन यदि आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं यदि आप मैथ को छोड़ते हैं तो विश्वास करिए आप बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सफल होना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, यही बात हम बताना चाहते हैं। बताइए, तो ये 10 मार्क्स अगर देखा जाए तो जनरली लोग बोलते रहते हैं कि हम सीसीसी मार करके चले आते हैं, उससे होता क्या है एक दो मार्क्स मिलता है बाकी तो खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ अगर कुछ शुरू से ही पढ़ते रहे, परसेंटेज का नॉलेज, प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज रहे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें स्टैटिक्स में भी काम आती है, तो वो कहीं से हमारे लिए बेकार की चीज़ें नहीं हैं, वो आगे स्टैटिक्स में आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि आज हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जीके में इतिहास की पढ़ाई होगी, फिर हमारा भी वीडियो मैथमेटिक्स का आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, और स्टैटिक्स का भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। फिर जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता रहेगा। तो जो ऑफलाइन क्लास है कि बिहार में 6 फरवरी तक सारे ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, उसके बाद आगे क्या होगी तो पता नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की बात है। तो 6 फरवरी के बाद जैसे ही क्लास खुलती है तो हम लोग फुलवाड़ी शरीफ में ज्ञानी सिविल सर्विसेज के नाम से कोचिंग को एस्टेब्लिश किए हैं, तो फिलहाल में तो हम ऑनलाइन लेकर के चल रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। तो आप लोग का साथ ही हम लोग का विकास होगा, आप लोग का विकास होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपना क्लास को सर आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग इसको देखें, सीखें, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद, बंद कर दीजिए।